चलो ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? 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 स्ट्रेट लाइन बनती कैसे है? स्ट्रेट लाइन बनती कैसे है? स्ट्रेट लाइन बनती कैसे है? नहीं, स्ट्रेट लाइन बनती ऐसे है, पॉइंट्स जो होते हैं, ये लगा नहीं है क्या? इसको लगाओ, देखो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का नाम सुना है? कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का नाम सुना है? बस वो प्लेन जिसके अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, उसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। अच्छा, एक्स और वाई एक्सिस आपस में कैसी होती हैं? कितने डिग्री पे होती हैं? कितने डिग्री पे होती हैं? 90 डिग्री पे होती हैं। कुछ नहीं आता है, जीरो लेवल से हो, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास आई हो, हम एक एक चीज समझाएंगे, बस तुम्हें ध्यान से सुनना है, ठीक है। ये क्या है? ये जो है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है आपस में 90 डिग्री बनाना। जैसे ये प्लेन है, इसके ऊपर ये किताब बिल्कुल सीधी सीधी खड़ी है, इसको क्या बोलते हैं? ये प्लेन के परपेंडिकुलर ये किताब खड़ी है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री का मतलब समझ गया, ठीक। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? वो प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो, उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब ये कार्टेशियन प्लेन ये इस्तेमाल क्यों होता है? कार्टेशियन प्लेन इस्तेमाल क्यों होता है? कार्टेशियन प्लेन इस्तेमाल क्यों होता है? नहीं, ये मेन इस्तेमाल क्यों होता है इसका? किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए कार्टेशियन प्लेन इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए भी कार्टेशियन प्लेन इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? कार्टेशियन प्लेन काय के लिए इस्तेमाल करते हैं? किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए और किसी भी लाइन को बनाने के लिए हम लोग कार्टेशियन प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन जो होता है, जैसे कि इसको इस तरीके से समझो, अगर किसी भी, जैसे मेरे घर आना था, तो मेरे घर के लिए एक तो यूपी बोर्ड क्लास 12th रिजल्ट, जी बस, ठीक। तो जैसे हमारे घर आना है तो दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक घर का नंबर, दूसरा जगह का नाम। अगर इन दोनों में से कोई भी एक नहीं मालूम, मेरे घर पहुंच सकती? नहीं पहुंच सकती, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन जो होता है वो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने का, यानी कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है। जैसे एक पॉइंट है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 3, ये पॉइंट पी है 2, 3, ये पहला क्या बता रहा है हम लोगों को कि एक्स एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट है, और दूसरा नंबर क्या बता रहा है कि वाई एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट है 2। एक्स एक्सिस के सीधे तरफ जब चलेंगे तो ये सब क्या होता है? पॉजिटिव। एक्स एक्सिस के नेगेटिव तरफ, यानी कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो क्या होता है? नेगेटिव। और ये इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? हाँ बोलो, इस पॉइंट का नाम क्या होता है? ओरिजिन। और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। समझ में आया? तो ये आपका 0, ये +1 है, ये +2 है, +3, +4, ये क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4। इसी तरीके से जब हम लोग y एक्सिस पर फ्रॉम डाउन टू टॉप चलेंगे तो सब वैल्यू क्या होंगी? पॉजिटिव। और फ्रॉम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो सारी वैल्यूज क्या होंगी?
नेगेटिव में होंगी। जब यहां जीरो से चल रहे हैं तो ये जीरो क्या है, जीरो के बाद प्लस वन, फिर उसके बाद प्लस टू, प्लस को स्पेसिफाई करके लिखते नहीं है, ठीक है। या तो प्लस टू भी लिख सकते हैं या फिर खाली टू भी लिख सकते हैं, तो उसका मतलब क्या है, उसका साइन पॉजिटिव है। प्लस थ्री, प्लस फोर, इसी तरीके से जब नीचे चलेंगे तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री और माइनस फोर एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, इनको इस्तेमाल करते हैं काहे के लिए, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। तो हमारे पास पॉइंट के दो लोकेशन, दो चीजें क्या मालूम है, यानी कि एक्स एक्सिस पे टू यूनिट्स और वाई एक्सिस पर थ्री यूनिट्स। तो एक्स एक्सिस पे टू, ये टू का साइन क्या है यहां पे, पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है, तो इधर चलेंगे, टू मिल गया। फिर उसके बाद यहां पे थ्री का साइन क्या है, हैं, पॉजिटिव है, तो यानी कि वाई एक्सिस पर पॉजिटिव चलेंगे, तो इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर कोई पॉइंट मिलेगा और इस पॉइंट को क्या बोल देंगे, पी टू कॉमा थ्री, ये पॉइंट पी लोकेट हो गया। समझ में आ गया, किसी भी पॉइंट को किस तरीके से लोकेट करना है, कार्टेशियन प्लेन पे कैसे लोकेट करते हैं, सबसे पहले एक्स एक्सिस, फिर उसके बाद वाई एक्सिस, फिर उसके बाद पॉइंट की जो दो वैल्यूज हैं, पहली वैल्यू किसको बिलोंग कर रही है, पहली वैल्यू, वालेकुम सलाम, एक्स एक्सिस को, दूसरी वैल्यू किसको बिलोंग कर रही है, वाई एक्सिस को। समझ में आ गया। अब एक पॉइंट है, पॉइंट बताओ माइनस टू कॉमा थ्री, ये पॉइंट आपका क्यू है, माइनस टू कॉमा थ्री, तो माइनस टू कहां पे, एक्स के माइनस टू, ये आपका माइनस टू, ठीक है, एक्स का माइनस टू, ये माइनस टू मिल गया। फिर उसके बाद वाई का क्या है, वाई का पॉजिटिव थ्री, वाई का पॉजिटिव थ्री ऊपर, तो ये क्या हो गया, यहां पर पॉइंट मिल गया, और इस पॉइंट का नाम क्या है, क्यू, तो माइनस टू कॉमा थ्री। समझ में आ गया, ये पॉइंट क्यू हो गया। बात क्लियर है, पॉइंट को लोकेट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कार्टेशियन प्लेन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने बताया, ये भी बोला था, दूसरी लाइन ने ये भी बोली थी कि लाइन को बनाने के लिए, स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए भी क्या इस्तेमाल करते हैं, कार्टेशियन प्लेन का। वो कैसे, पहले समझो लाइन क्या होती है, ठीक, लाइन क्या हो, देखो भैया ये पॉइंट है, सिंगल पॉइंट, ये दूर पे एक पॉइंट है, ये फिर दूर पे, ये फिर दूर पे, ये फिर दूर पे, ठीक है। हमने कितने पॉइंट बना दिए, एक दो तीन चार पांच पॉइंट बना दिए। अब इन सब पॉइंट को आपस में मिला मिला के जब बनाएंगे, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन चार पांच, करीब कर दिया। पहला वाला जो हमने ये बनाया है, ये क्या है, जूम आउट वाला है, ये जूम इन वाला, करीब वाला। तो जब ये वाला, यानी कि कई सारे पॉइंट आपस में मिल करके जब इस तरीके से बनेंगे तो क्या बनेगी, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल सिंगल पॉइंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स विच आर स्लाइटली, मतलब जो आपस में बहुत करीब करीब होते हैं, ठीक है, तो वो सब आपस में क्या बना रहे होते हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे होते हैं। समझ आएगा, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, करीब करीब पॉइंट्स जब आपस में मिल जाते हैं और वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म का रूप, मतलब वो एक फॉर्म अपना लेते हैं, तो वो क्या हो जाती है, स्ट्रेट लाइन हो जाती है, ठीक है। समझ में आया स्ट्रेट लाइन कि नहीं समझे, ठीक है। अच्छा, अब हमने फिर बोला था कि स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए भी कार्टेशियन प्लेन का इस्तेमाल करते हैं, कार्टेशियन प्लेन का इस्तेमाल करा पॉइंट को लोकेट करने के लिए, ठीक है। अब जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, इस ये स्ट्रेट लाइन किससे बनी है, सिंगल सिंगल छोटे छोटे पॉइंट से बनी है, इन सारे पॉइंट को लोकेट करना है, यहाँ पे सारे पॉइंट को जो लोकेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। और वो सारे पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे, इसी तरीके से लोकेट करेंगे। समझ में आ गया स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 14 है, बोलो क्या, स्ट्रेट लाइन, ये जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है ना, इस स्ट्रेट लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है, उन सब पॉइंट को यहाँ पे मार्क करना है। वो सारे पॉइंट कार्टेशियन प्लेन मार्क कर लिए, अब वो क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो पहले पॉइंट मार्क किया, पॉइंट से स्ट्रेट लाइन मिल गई। स्ट्रेट लाइन कुछ नहीं है बल्कि क्या है, पॉइंट आपस में डेंस है, ठीक है, समझ में आया, पॉइंट से ही स्ट्रेट लाइन बनती है,
ठीक, अच्छा आगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या, सबसे पहले ये हम क्या बनाया, हमने क्या बना रहे हैं, हम ये कार्टेशियन प्लेन बना रहे हैं, CARTESIAN कार्टेशियन प्लेन। ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, इसको डिनोट करते हैं माइनस एक्स से, इसको डिनोट करते हैं माइनस वाई से, ठीक है। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हमने ली है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ये हमने ले ली, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पहले हम लोगों ने समझ लिया कि स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं, अब हम लोगों ने क्या ले लिया कि स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है। अब आता है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना, क्या स्लोप, पहली चीज है स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप लफ्ज का मतलब, स्लोप बोलो, ढाल, ढलान, ये स्ट्रेट लाइन की ढलान वो कैसे निकालते हैं, सवाल आएगा, ठीक। हंसो नहीं भैया, हाँ बिल्कुल, दिमाग लगा के पढ़ो ना, तो ये मैथ है, उठा के पटक देगी। स्लोप क्या होता है, ढलान स्ट्रेट लाइन की, ठीक। इसको निकालते कैसे हैं, इसको निकालते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से निकालते हैं, किससे निकालते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन से निकालते हैं। अब ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है, पहले ये बताओ एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है, एंगल डिफाइंड एंगल, वो तो एक पर्टिकुलर एंगल हो गया, एक स्पेसिफिक वैल्यू तुमने बता दी 90 है, एक एंगल है जिसकी वैल्यू 90, हम पूछ रहे हैं एंगल क्या होता है, देखो एक ये स्ट्रेट लाइन, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन, ये दोनों को लाइन यहां पे ज्वाइन करा है, अब इन दोनों के बीच के ये जो ये मेजरमेंट है, ये जो मेजरमेंट होता है ये कितना है, इसको बोलते हैं क्या, एंगल बोलते हैं, समझ में आया, एंगल किसको बोलते हैं, ठीक। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है, बहुत ध्यान से समझो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्स, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कहां पे कट कर रही है, वो पॉइंट ले लिया, यहां पे कट कर रही है, ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन है, कहां पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रही है, ये पॉइंट हमने ले लिया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये लाइन, इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, इसको डिनोट करते हैं थीटा से, क्या थीटा से, समझ में आ गया, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन किसको बोलते हैं। अब स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप निकलता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन से, स्लोप तब निकलेगा जब हम लोगों को थीटा की वैल्यू मालूम होगी, और निकलेगा कैसे, स्लोप का फॉर्मूला होता है स्लोप इज इक्वल्स टू टैन थीटा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, टैन थीटा, ठीक है। हम लोगों को जैसे ही थीटा की वैल्यू मिल गई, वैसे ही थीटा की वैल्यू इसमें प्लग इन कर दी और हमारे हाथ में क्या आ गया, स्लोप आ गया, ठीक है। एक एग्जांपल से समझा रहे, एक हमने ये हम कार्टेशियन प्लेन बना रहे, वाई एक्सिस हमने बना ली, एक्स एक्सिस बना ली और एक लाइन भी बना ली, फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं कि इसका जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है 30 डिग्री, ठीक है। ये क्या है एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस है, इसको क्या नाम दिया था, इसका नाम क्या था, ओरिजिन, इसका नाम था ओ आर आई जी आई एन, ओरिजिन 0.0। तुम लोग नोट नहीं कर रहे, चलो कोई बात नहीं, ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने यूट्यूब पे डाल देंगे, यूट्यूब चैनल पे, मेरा चैनल है उस पे डाल देंगे, उससे देख लेना और नोट करके हमें दूसरे दिन चेक कराना है सारे नोट्स, ठीक। तो ये क्या है, ओरिजिन क्या हो गया, 0.0, अभी निकालते हैं, 0.0, ठीक है। तो ये आपका क्या, ये स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन यहाँ पे क्या हो गया, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या हो गया, बोलो भैया, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या हो गया,
है 30 डिग्री, कैसे हो गया 30 डिग्री? सर अभी तो आपने बताया था कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो लेते हैं वो लाइन और एक्स एक्सिस के पॉइंट इंटरसेक्शन ले लिया और इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं 30 डिग्री, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 30 है, तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू टैन 30, टैन थीटा, बिल्कुल सही, थीटा टैन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 30 है, टैन 30 की वैल्यू क्या होती है, टैन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इस लाइन का जो स्लोप आ गया है वो क्या हो गया 1/√3। स्लोप को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, किससे डिनोट करते हैं स्मॉल m से, तो स्मॉल m का फॉर्मूला क्या हो गया m इज इक्वल्स टू टैन थीटा और थीटा की वैल्यू यहां पर क्या है 30 डिग्री है। समझ में आ गया। अच्छा एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है, हाँ स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है, स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री की, ठीक है याद रखना। हमने क्या बताया स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। अब इसको इस्तेमाल करना, ये इस्तेमाल होगा कहां पे इस्तेमाल होगा वो हम बताने जा रहे हैं। कार्टेशियन प्लेन बता दिया, हम तेज तो नहीं चल रहे, ठीक, ये हमने एक स्ट्रेट लाइन फिर से बना दी, ये हमने क्या बनाया x एक्सिस, ये क्या बनाया y एक्सिस, ये आपका माइनस x, ये आपका माइनस y, ठीक। हम लोगों को ये वाला एंगल दिया है भैया 60 डिग्री, सॉरी ये वाला है, बता रहे एक मिनट रुक जाओ, या ये वाला हम लोगों को दिया है 150 डिग्री, क्या दिया हुआ 150 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इस लाइन का स्लोप निकालना, ठीक है तो स्लोप निकालो भैया, स्लोप के लिए हम लोगों को क्या जरूरत होती है, बोलो बोलो बिल्कुल ओपनली बोलो, कोई झिझक की बात नहीं है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है टैन थीटा, टैन थीटा भी हमने बताया, टैन थीटा की वैल्यू कब निकलेगी, जब थीटा की वैल्यू हम लोगों को पता होगी, और यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है 150 है थीटा की वैल्यू 150, और हमने थीटा की वैल्यू क्या बताई थी, थीटा की वैल्यू कहां से लेते हैं, थीटा की वैल्यू, थीटा क्या होता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहां से लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल, ये जो 150 डिग्री है ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन का एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल ही तो है 150 डिग्री कि नहीं, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहां से लेते हैं भैया पॉजिटिव और लाइन इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो ये एंगल कैसे आएगा, ये एंगल हमें निकालना है। ये आपका देखो पूरी स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की है 180 की, 180 से 150 माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा पूरी स्ट्रेट लाइन 180 का, इसका मतलब क्या हुआ ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ये पूरा, ये जो पूरा एंगल है ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। हम लोगों को मालूम क्या है ये वाला एंगल मालूम है 150, निकालना क्या है ये वाला निकालना है कि नहीं, क्यों निकालना है क्योंकि वही तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, ये 150 ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थोड़ी है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल, तो 180 टोटल क्या है 180 और एक हिस्सा क्या है 150, दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा 30 हो गया, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमारे पास क्या आ गया 30 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो गई 30 डिग्री, तो m की वैल्यू क्या हो गई tan 30 और tan 30 की वैल्यू 1/√3। समझ में आ गया स्लोप कैसे निकालते हैं कि नहीं आया, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का मतलब समझ में आ गया कि नहीं, बिल्कुल सही। अच्छा स्लोप का दूसरा नाम होता है, स्लोप को डिनोट किससे करते हैं, स्लोप को डिनोट किससे करते हैं, किस लेटर से या नहीं किस अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, एम से। स्लोप को डिनोट करते हैं एस एल ओ पी, स्लोप को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से।
स्लोप का दूसरा नाम होता है ग्रेडियंट. क्या नाम होता है? ग्रेडियंट. क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि ग्रेडियंट निकालो लाइन का, तो ग्रेडियंट क्या होता है? स्लोप होता है. ग्रेडियंट क्या होता है? स्लोप होता है. स्लोप को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से. और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा. ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेडियंट का फॉर्मूला वो भी टेन थीटा, क्योंकि वो तो स्लोप है ना. ठीक, बिल्कुल सही, समझ में आ गया. अच्छा, अब ये दूसरी एक्सरसाइज हमने बताई है स्लोप निकालना. ठीक, अच्छा अब आते हैं, अब चलते हैं आगे. ये स्लोप निकालना समझ में आ गया? ठीक है, अच्छे से समझ आया, क्लियर. टेन थीटा, ये हम लोग, ये जो पहला तरीका हमने जो बताया ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन से बताया. किससे बताया? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन. अब स्लोप निकालने का तरीका दो फिक्स पॉइंट से, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी. ये पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स टू कॉमा वाई टू, दो पॉइंट हमें मालूम हो. हमें एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन नहीं मालूम. अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन मालूम तो हम लोग टैन थीटा से स्लोप निकाल लेंगे. अब हमें एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन नहीं मालूम, अब हमें क्या मालूम है? दो पॉइंट मालूम है. तो दो पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते हैं? दो पॉइंट से स्लोप निकालते हैं, स्लोप इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. समझ में आ गया? जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, एक पॉइंट ए है उसका कोऑर्डिनेट है टू कॉमा थ्री, दूसरा पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट है फोर कॉमा माइनस फाइव. ठीक, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले एक्स वन और वाई वन लिखना है. एक्स वन क्या है बताओ? एक्स वन, एक्स वन, एक्स वन क्या है? x1 की जगह यहां पर क्या लिखा है? कंपेयर करो दोनों को. x1 की जगह क्या लिखा है? 2. तो x1 की वैल्यू क्या हो गई? 2. y1 की वैल्यू 3. x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू 4 हो गई. y2 की वैल्यू माइनस फाइव. स्लोप निकालना है, स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y2 क्या है? माइनस फाइव, माइनस फाइव, माइनस. y1 क्या है? 3 अपॉन x2 क्या है? 4 माइनस x1 क्या है? 2. क्या हो जाएगा? माइनस 8 अपॉन 4 माइनस 2, 2. ये माइनस 8 समझ आया कैसे है? ठीक, तो 2 1 जा 2 4 जा, तो क्या हो गई? माइनस 4. तो स्लोप क्या आ गया? माइनस 4 आ गया. समझ में आ गया कि नहीं? ठीक भैया, ये इसको ऐसे समझो जैसे अगर घर जाना है, ठीक है, तुम्हारा घर मैनावा के पास है, घर जाना है तुम्हें, तो तुम कैसे जा सकती हो? या तो पैदल जाओगी या फिर बाइक से जाओगी. अगर बाइक नहीं है तो कैसे जाओगी? पैदल से जाओ, पैदल जाओगी. अगर बाइक है तो पैदल क्यों चलोगी? बाइक से जाओगी. तो अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है तो हम लोग कौन से रास्ते से स्लोप निकालेंगे? टैन थीटा से निकालेंगे. अगर हमारे पास दो पॉइंट गिवेन है तो हम लोग किससे स्लोप निकालेंगे? इस फॉर्मूले से स्लोप निकालेंगे. समझ में आ गया? जो चीज हमारे पास अवेलेबल है उसी को तो इस्तेमाल करेंगे. समझ में आया? जैसे अगर हमें मुंबई जाना है तो मुंबई के लिए ट्रेन भी है और फ्लाइट भी है. जेब में ज्यादा पैसे हैं तो फ्लाइट, जेब में पैसे कम है तो ट्रेन, और कम पैसे हैं तो जनरल बोगी, खड़े होकर के जाना. अब वही जो हमारे पास जो अवेलेबल चीज है हम उसी के अकॉर्डिंग तो काम करेंगे. लेकिन हमें पहुंचना कहां पे? यहां पे, वहां पे पहुंचना है मुंबई. यहां क्या पहुंचना है? हमें स्लोप निकालना है. अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मालूम है तो टैन थीटा, दो पॉइंट मालूम है तो ये फॉर्मूला. कैसे बताया वो हमने बता दिया. ठीक, अच्छा अब सवाल बता रहे, सवाल कराना है. देखो ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है,
ये एक लाइन है, हम लोगों को ये वाला एंगल मालूम है, ये वाला एंगल है 120 डिग्री। स्लोप निकालो उसका, ये वाला एंगल 120 है, स्लोप निकालना है। स्लोप किससे निकालेंगे, थीटा वाले फॉर्मूले से निकालेंगे या फिर टू पॉइंट वाले फॉर्मूले से निकालेंगे? थीटा वाले से, बिल्कुल सही। चलो ये तो समझ में आ गया। अब ये बता दो थीटा क्या होता है यहाँ पे? थीटा होता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन यहां पे क्या होगा? यही तो पता करना है, मेन चीज तो यही है। हाँ हमें ये बताओ, एक एक चीज ये बताओ, ए बी सी डी, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन किसके बीच में होगा? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का नाम बताओ, ए बी सी होगा या सी बी डी होगा? ए बी सी होगा। क्या शाबाश, बिल्कुल सही। 60 कैसे हो गया? क्योंकि भैया देखो ये पूरी स्ट्रेट लाइन कितनी बताई थी सर आपने? 180 बताई थी। इस पूरा 180 का हम लोगों को इस वाले हिस्से से मतलब है, तो कैसे निकालेंगे? पूरे 180 को 120 से माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। तो थीटा क्या आ गया? 60। जैसे ही थीटा आ गया, टैन में टैन थीटा की जगह क्या रखेंगे? टैन 60, और स्लोप निकाल लेंगे। समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल, फिर एक लाइन बनाई हमने। अब की से ये वाला एंगल हम लोगों को 45 डिग्री दिया है, अब बताओ हमारे लिए थीटा क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द थीटा इन दिस केस? अरे अरे अरे, हाँ बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस केस? बताओ भैया। गलत, थीटा की वैल्यू क्या होगी इस केस में? नहीं नहीं, पहले तो हमें ये बताओ, ए है? नहीं, बी या आपका ओ है? पहले मैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का नाम बताओ, नाम एबीसी। हमें किसके एंगल से मतलब है? ये वाले एंगल से मतलब है, सबसे पहले ये देख लिया, ठीक। अब एबीसी की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। भाई देखो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का नाम सुना है? देखो कोई भी अगर एक स्ट्रेट लाइन या एक स्ट्रेट लाइन आपस में कट करती है एक दूसरे को, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 45 हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आ गया। तो थीटा की वैल्यू निकाल ली, जब थीटा की वैल्यू आ गई तो स्लोप की वैल्यू भी आ जाएगी। स्लोप की वैल्यू कैसे आएगी? टैन 45, ठीक। अच्छा और इसमें क्या? अच्छा हाँ, कोई भी अगर दो पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस, इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब क्या होता है और परपेंडिकुलर? हमें ड्रॉ करके दिखाओ, पैरेलल का मतलब क्या होता है? ये तो एक लाइन बनाई, बिल्कुल सही, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे को फेस कर रही हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर नहीं पता। देखो जैसे ये एक लाइन है, हम ये लाइन हमने बनाई वाइट लाइन, फिर उसके बाद ये दूसरी लाइन बना दी, ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस का स्लोप आपस में सेम होता है। अगर इस पैरेलल, इस लाइन का M1 स्लोप है और इस लाइन का स्लोप है M2,
और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो दोनों स्लोप क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ गया, पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन होती है, स्लोप आपस में दोनों का इक्वल होता है। अगर इसका स्लोप 2 आएगा तो इसका भी स्लोप क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, अब परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, जैसे ये आपस में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, आपस में 90 डिग्री बना रही हो। अगर ये एक लाइन है, इसका स्लोप है m1 और ये लाइन है इसका स्लोप है m2, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ, m1 into m2 is equals to minus 1, याद रख लेना। अगर हम लोगों को m1 is equals to 2 गिवन है और कह रहा है कि एक लाइन का स्लोप निकालो जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप क्या आ जाएगा बताओ, एक लाइन है उसका स्लोप है m1 is equals to 2, दूसरी लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है यानी कि ये लाइन m2 है इसका स्लोप m2 है तो m2 की वैल्यू निकालो, m2 की वैल्यू क्या आएगी, गलत, 2 कब आएगी जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, और परपेंडिकुलर की केस क्या है, m1 into m2 is equals to minus 1, देखो m1 की वैल्यू क्या दी है 2 into m2 की वैल्यू निकालना है is equals to minus 1 तो m2 की वैल्यू क्या आ गई minus 1 upon 2। समझ में आया कि नहीं आया, अब देखो जैसे पैरेलल लाइंस है, एक का स्लोप 2 दिया है, इस वाई लाइन का स्लोप बताओ क्या होगा, 2, बिल्कुल सही। एक फिर से बताओ, ये एक पैरेलल, ये एक लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन का स्लोप दिया है माइनस वन बाई टू, इसका स्लोप निकाल, इसका स्लोप क्या होगा है, ये पार्ट समझ में नहीं आया, देखो पैरेलल वाला समझ में आ गया, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, बिल्कुल सही, यानी कि दो लाइन आपस में 90 डिग्री बना रही है, ये वाली लाइन 1 है, ये वाली लाइन 2 है, लाइन 1 लाइन 2, लाइन 1 का स्लोप है m1, लाइन 1 का स्लोप m1, सपोज लाइन 2 का स्लोप है m2, ये आपस में परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन ये होती है m1 into m2 is equals to minus 1। अब ये वर्क कैसे करती है बता रहे, लाइन n1 है, लाइन 1 है, इसका स्लोप हम लोगों को मालूम है 4, लाइन 2 जो कि इस लाइन 1 से परपेंडिकुलर है और इस लाइन 2 का स्लोप निकालना है, कैसे निकालेंगे भैया, परपेंडिकुलर है तो मतलब m1 into m2 is equals to minus 1 वैलिड होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है, जब परपेंडिकुलर बोल दिया गया तो ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, अप्लाई हो जाएगी ये कंडीशन। हमें एक स्लोप दिया है यानी कि m1 की वैल्यू मालूम है 4, निकालना क्या है m2 की वैल्यू, तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन अपॉन 4, आंसर। समझ में आ गया, अच्छा अब एक और बता रहे, एक लाइन है या एक लाइन ऐसे लिख लो, एक लाइन है m1 उसका स्लोप है 5 अपॉन 2, दूसरी लाइन है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को इस तरीके से डिनोट करते हैं, उसका हम लोगों क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, बताओ क्या स्लोप होगा, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, एक लाइन का स्लोप 5 बाई 2 है, दूसरी लाइन का स्लोप निकालना है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल के केस में दोनों स्लोप बराबर होंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में क्या होगी इसकी वैल्यू, करो नहीं गलत, अरे भैया ये जो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कंडीशन क्या हमने बताई थी, परपेंडिकुलर की कंडीशन हमने क्या बताई थी ये बताओ पहले, m1 into m2 is equals to minus 1, हम लोगों को क्या गिवन है m1, m1 की वैल्यू क्या लिखें into
टू उधर जाएगा माइनस टू अपॉन फाइव, समझ में आया? इस तरीके से निकालेंगे परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन और पैरेलल लाइंस की कंडीशन, ठीक है? अच्छा, अब आता है कोलीनियर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कोलीनियर, कोलीनियर का मतलब क्या होता है, कोलीनियर कोलीनियर कोलीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है भैया, एक लाइन, कोलीनियर का मतलब होता है कि वो सारे पॉइंट्स कोलीनियर कहलाएंगे अगर वो एक सिंबल से, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, इसको ऐसे समझो, जी हमने एक लाइन बनाई स्ट्रेट लाइन, ठीक, एक पॉइंट हमने मार्क किया, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी एंड सी आर कोलीनियर, ठीक है, ये सब क्या है आपस में, कोलीनियर, ठीक, समझ में आ गया कोलीनियर का मतलब क्या होता है, कोलीनियर का मतलब क्या होता है कि वो सारे पॉइंट्स कोलीनियर कहलाएंगे अगर वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन ये होगी, देखो जैसे एक पॉइंट हम लोगों को गिवन है, एक सवाल इसका करा दे रहे हैं, एक पॉइंट ए है उसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, दूसरा पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट है -5, 0, सी है उसका कोऑर्डिनेट है -2, a, इसका कोऑर्डिनेट है 2, -2, 9/7, ठीक है, ये तीन पॉइंट है, हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलीनियर है, यानी कि हम लोगों को क्या प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए हम लोगों को स्लोप निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा, स्लोप कैसे, स्लोप किसका किसका निकालना पड़ेगा, ए बी का स्लोप निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद बी सी का स्लोप निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद ए सी का स्लोप निकालना पड़ेगा, समझ में आया, सबसे पहले ए बी का स्लोप, बी सी का स्लोप और फिर उसके बाद सी ए का स्लोप। ए बी का स्लोप कैसे निकालेंगे, थीटा वाले फॉर्मूले से या टू पॉइंट वाले फॉर्मूले से, स्लोप निकालने के कितने तरीके हमने बताए, थीटा वाले से नहीं निकालेंगे क्योंकि थीटा कहां गिवन है, यहां पे हमें दो पॉइंट गिवन है x1 y1 और x2 y2, तो टू पॉइंट फॉर्मूले से AB का स्लोप निकालें, फिर BC का, फिर उसके बाद CA का, अगर तीनों स्लोप आपस में इक्वल आ रहे हैं तो भैया ये तीनों पॉइंट कोलीनियर है, प्रूव हो गया। तो स्लोप कैसे निकालेंगे भैया, देखो स्लोप ऑफ पहले AB का निकालना है, फॉर्मूला क्या बताया था, y2 - y1 / x2 - x1, ये m1 इसको से हम सपोज कर लिए, y2 क्या है 0 माइनस y1 क्या है 3 अपॉन x2 क्या है -5 -2, ये x1 x2 y1 y2 में तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 / -7, क्या आ जाएगा 3/7 आ गया। अब हम लोग BC का निकालेंगे स्लोप, इसको हम से m2, ये आपका BC है, तो ये क्या हो जाएगा y2 यानी कि 9/7 - 0/-2 और +5 क्या हो जाएगा 9/7 / ये 3 आ गया, फिर उसके बाद 9/3 × 7, ये हम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, ये कैसे लिखा, ये यहां से ये कैसे आया, ये देखो 3/7 पहले, ये देखो वो बता रहा है 3/7 आ गया, दोनों का स्लोप सेम है, इक्वल आ गया, तो ये तीनों पॉइंट आपस में क्या है कोलीनियर होंगे, कोलीनियर कंडीशन ये है। अच्छा हम ये बताने आ रहे हैं ये क्या है, देखो 9/7 / 3, इसको कैसे डील करते हैं, ये बहुत लोगों कंफ्यूजन होती है, तो आज कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखो ये न्यूमरेटर है और ये क्या है डिनोमिनेटर है,
पहले न्यूमरेटर लिख दिया, ये किसका साइन है, ये इसका, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपॉन या फिर डिवाइड इनटू, कहां भैया मल्टीप्लाई कहां हो रहा है, डिवाइड, डिवाइड का साइन लगा दिया, किसे डिवाइड कर रहे हैं, थ्री से, ठीक। अब ये डिवाइड जो होता है ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, कब बदलेगा, जब ये डिनोमिनेटर है, जब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक। तो 9 1 9, 3 7 21, 3 3 और 3 7, तो क्या आ जाएगा, 3/7। ये समझ में आया कैसे इसको डील करते हैं, ठीक। तो ये होल डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, और कैसे कन्वर्ट कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पहली एक्सरसाइज आपको 14th बी लगानी है, ये है होमवर्क। 14th बी में जो भी प्रॉब्लम होगा वो हम बताएंगे, हाँ ये पूरी लगानी है। 21 सम,